संदीप कुमार जी को टाटा टेक के बारे में जानना है, 10 साल तक होल्ड किया जा सकता है ये समझना चाह रहे हैं। 38 है इनके पास शेयर, 1085 का इनका भाव है। तो टाटा टेक का बॉटम आउट तो हो गया था, ये दिखा था मुझे, लेकिन वैल्यूएशन इतने एक्सपेंसिव थे कि कुछ किया नहीं जा सकता था। तो जी ऐसा है कि टाटा टेक में एक राउंड का राइज तो हो गया, अब ये एक राउंड का राइज हो गया तो करेक्शन हो सकता है। कहाँ तक करेक्शन हो सकता है? देखिए, करेक्शन पहली चीज़ की 1050 के पहले और करेक्शन नहीं होगा। 1050 के नीचे गया तो करेक्शन और होने के चांसेस रहेंगे, एंड एनी वेयर इन बिटवीन 1025 टिल 1000 तक भी करेक्शन ले सकता है। इस स्टॉक के लिए अब बहुत ज़रूरी है कि ये ट्रेंड जो आया है इसको मेंटेन करे और 1000 के नीचे क्लोज नहीं हो। 1000 के नीचे क्लोज होना इसके लिए अच्छी बात नहीं होगी, बिकॉज वैल्यूएशन इसके फेवर में नहीं है, और अगर रिजल्ट में किसी भी तरह की खराबी हुई तो तकलीफ ज़्यादा बढ़ जाएगी। तो 1000 का ध्यान रखिए और थोड़ा इंतज़ार कीजिए। 1000 का अगर रह गया तो फिर सब कुछ ठीक है। जी, लेकिन 1000 के नीचे ही इसका मतलब अपना जो बहुत लंबा जीवन नहीं अभी बीता है, लेकिन जो भी लाइफ टाइम बॉटम है 970 के आसपास है, तो 1000 और 970 में इतना कोई बड़ा फर्क तो है नहीं, तो 970 का वेट क्यों नहीं कर सकते? एक्चुअली इसकी प्रॉब्लम मैं आपको बताता हूँ। इसकी प्रॉब्लम क्या है ना, एक्चुअल सपोर्ट जो इसका डिफाइन होना चाहिए एक और फ्रेश लो बन के होना चाहिए, बिकॉज ये जो इसका कट बना है ना, अभी भी जी चांसेस हैं कि एक और नीचे जाए, चांसेस हैं, जाएगा कि नहीं वो 1000 ही डिफाइन करेगा। लेकिन ये भी उतना ही आप ठीक कह रहे हैं कि शायद 950 के नीचे इसको ज़्यादा देखने को नहीं मिलेगा, क्योंकि टाटा एज ए ग्रुप में अभी ब्रांड इक्विटी बहुत स्ट्रांग चल रही है ना, तो उससे ज़्यादा जी तो डाइल्यूशन प्राइस का नहीं होगा मुझे लगता है। तो 1000 से 950 बात आपकी सही है कि बहुत ज़्यादा फर्क कहाँ पे, मतलब इतना 4-5% का फर्क है, लेकिन जी जो भी है 950 तक उससे ज़्यादा रिस्क फिलहाल नहीं दिखता, बिकॉज 950 के नीचे बड़ा रिस्क ओपन होगा जो कि फिलहाल नहीं दिखता। तो मान लीजिए मैंने 1100 के नीचे खरीदा है, कितना इन्होंने बताया था, 1085 का, और रिस्क मुझे कितना दिख रहा है, 1000 से लेके 970 बहुत हुआ तो 950, वहां तक का रिस्क मुझे दिख रहा है, और 10 साल लेकर के बैठने के लिए मैं तैयार हूँ। क्या मुझे मतलब कहीं पे एक्टिवली रिस्क मैनेज करने की जरूरत दिखती है? देखिए, 10 साल में रिस्क मैनेजमेंट क्यों करना है प्राइस चार्ट को देख के? 10 साल में रिस्क मैनेजमेंट करना है रिजल्ट को देख के। तो प्राइस को भूल जाइए 10 साल के लिए, क्योंकि प्राइस तो उथल पुथल होता रहेगा, वो तो मार्केट रिस्क आएगा ना उसमें। उसमें कंपनी रिस्क नहीं भी रहे तो भी मार्केट रिस्क आएगा, और हम 10 साल के लिए मार्केट रिस्क के हिसाब से स्टॉक नहीं लेंगे, हम बिजनेस के रिस्क के हिसाब, कंपनी के हिसाब से स्टॉक लेंगे। तो 10 साल में आपको सिर्फ यही ध्यान रखना है कि इनका जो भी सेल्स ग्रोथ है ना, ये 1-1% भी जो चल रहा है, कम से कम 10-15% पे आए तो जाके कुछ बात बनेगी। आप 65 टाइम्स का वैल्यूएशन ले रहे हैं और सेल्स ग्रोथ आप दे रहे हैं 1% का, तो वहाँ पे इश्यू है। फंडामेंटल जब तक डबल डिजिट सेल्स ग्रोथ नहीं आएगा, कॉन्फिडेंस आना थोड़ा सा मुश्किल है।